नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमने हमारे पिछले वीडियो में नेगेटिविटी को कैसे दूर किया जाए, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी भर गई है तो उसे कैसे रिमूव किया जाए हमारे मस्तिष्क से, हमारे शरीर से, और उससे होने वाले नुकसान के ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन आपको कैसे पता चले कि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं या आपकी पर्सनालिटी एक नकारात्मक पर्सनालिटी या नेगेटिव पर्सनालिटी बन गई है? तो मैं आपको कुछ लक्षण या सिम्टम्स बता रहा हूँ जिनके थ्रू आप आसानी से अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं या किसी और का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर व्यक्ति या फलाना व्यक्ति नेगेटिव तो नहीं है या हम खुद नेगेटिव तो नहीं है। अगर आप कोई नेगेटिव पर्सन से मिलते हैं, उससे ज़्यादा दोस्ती रखते हैं, उससे उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी प्रवेश कर जाएगी, आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी आ जाएगी और आप भी हो सकता है कि नेगेटिव पर्सन बन जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन्हें पहचान सकते हैं। नंबर वन, ऐसे लोग अपनी जिंदगी को एक सीमित दायरे में ही रखना पसंद करते हैं। वो एक अपना सर्कल बनाते हैं, सर्कल का मतलब ये नहीं कि एक कोई डायग्राम बनाए, एक अपने अंदर सर्कल बनाते हैं अपने आजू बाजू, उससे ना तो वो कभी बाहर जाते हैं और ना किसी को उसके अंदर आने देते हैं, यानी कि एक सीमित दायरा होता है ऐसे लोगों का। दूसरा, ऐसे लोग हमेशा शिकायतों का पिटारा लेकर अपने साथ चलते हैं, जब देखो तब शिकायत करेंगे, कोई भी छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, बस उनका काम है शिकायत करना। तीसरा, ऐसे लोग हमेशा बुराई ही ढूंढते अच्छी बातों में भी, कोई भी अच्छी बात चल रही है, सपोज करिए किसी ने बहुत अच्छा डांस किया, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे यार ये स्टेप उसकी खराब थी, यानी उतनी सारा डांस उसको कैसा लगा उससे कोई मतलब, एक स्टेप अगर खराब दिखी उसको या अच्छी नहीं दिखी तो उसी की बात करेगा, बाकी सभी जो अच्छी बात है उसको वो निगलेक्ट कर देगा, यानी हमेशा अच्छी बात में भी बुराई ढूंढते ऐसे लोग। चौथा, ऐसे लोगों को हर काम में समस्या निकालना अच्छा लगता है, कोई सा भी काम हो कैसा भी काम हो ऐसे हर ऐसे व्यक्ति समस्या ही निकालते रहते हैं। सपोज करो को कहीं जाना है गाड़ी से, अब उसमें भी समस्या निकालें, अरे यार गाड़ी से जा रहे हैं अगर मान लो पेट्रोल खत्म हो गए तो क्या करेंगे, यानी ये नहीं कि पेट्रोल पहले भरवा के चले तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं वो समस्या निकालें, अरे पेट्रोल खत्म हो गए तो क्या करेंगे। तो ऐसे लोग हमेशा हर बात में समस्या निकालना उनको अच्छा लगता है। ऐसे लोग जरूरत से ज़्यादा निराशावादी होते हैं, हर काम में डल रहना, हर काम में निराशी होना, किसी भी चाहे अच्छा काम भी घर में हो रहा हो, अब उनका बेटा या उनका साथी कुछ भी अच्छा काम भी कर रहा हो तो उसमें भी निराशी होते हैं, निराशावादी लोग होते हैं ऐसे। ऐसे लोग हर बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, उनको डर लगता है कि यार ये बात अगर किसी और को पता चल गई और इससे कुछ गड़बड़ हो गए तो, यानी हर बात को सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। अगला, ऐसे लोग हमेशा फिक्र चिंताओं में ही डूबे रहते हैं, कुछ भी पता नहीं कहाँ कहाँ की बात सोचेंगे, कहाँ कहाँ की चिंता करेंगे, उनसे कुछ होना जाना नहीं है लेकिन बस चिंता फिक्र उनको हमेशा सताती रहती है। इनकी सबसे खराब बात बताता हूँ मैं आपको, ऐसे लोग बुरी खबरों को ज्यादा प्रसारित करते हैं, ज्यादा प्रचार करते हैं उन चीज़ों का, कोई घटना हो गई कहीं पर बुरी घटना तो उसकी बढ़ चढ़ के बात करते हैं, अच्छी घटना की बात नहीं करेंगे लेकिन बुरी घटना की बात आप वो आगे बढ़ के करेंगे, मतलब जरूरत नहीं है तो भी लोगों को बताएंगे। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को सलाह देते रहते हैं, चाहे वो सलाह काम की हो उसके या नहीं हो, बस उनको सलाह देना, कोई मुसीबत में हो ना हो लेकिन उनको अपनी सलाह देना, तो हमेशा ये लोग दूसरों को सलाह देते रहते हैं, चाहे उसी सलाह पे खुद अमल नहीं करें लेकिन वो दूसरों को सलाह जरूर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना पसंद करते हैं, मतलब उनको परिवर्तन पसंद नहीं होता, ये नहीं कि आज यार हम यहाँ हैं तो आज कल वहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं वो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहना ही पसंद करते हैं। तो ये 10 लक्षण मैंने अभी आपको बताए, अगर ये 10 लक्षण में से कोई भी लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं या आपके सामने वाले या आपके किसी परिवार के व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो समय रहते आप उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप चाहे तो वहां से उपाय जान सकते हैं कि वो कौन सा उपाय है, वो एकमात्र उपाय मैंने बताया बिना पैसे का, बिना टाइम का, मैं उसका लिंक भी यहाँ नीचे डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं और अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आप इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की भी जानकारी चाहते हैं, किसी प्रकार की भी कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स से मुझे जरूर बताएं, मुझे खुशी होगी
आपके विचार जानने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।